रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है और इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका आना पॉसिबल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं कि गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। इसमें ऐसा है कि आप 3/4 एंड 5/9 के बिटवीन आपने कोई एक रैशनल नंबर मालूम करना है। अब इसमें रैशनल नंबर का की डेफिनेशन का बंदे को पता होना चाहिए। तो रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसे हम बटे की हालत में या पी बटा क्यू की सूरत में ले सकें, मगर क्यू नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल होना चाहिए। आपके पास एक रैशनल नंबर है तो हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन के बाद आप लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। तो इसमें हमने ये फाइंड आउट करना है, अब क्योंकि हमने इन दोनों के दरमियान जो नंबर पाया जाता है वो फाइंड आउट करना है, तो इसी वजह से हम इन दोनों को ऐड करके इसे 2 पर डिवाइड करेंगे। फ़र्ज़ करें ऐसे हम इन दोनों को प्लस करके इनका एवरेज ले लेते हैं, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इक्वल टू ब्रैकेट 3/4 प्लस 5/9, फिर ब्रैकेट इसे डिवाइड कर दिया 2 के साथ। अब इसे सिंपलीफाई करते हैं, सिंपलीफाई करने के लिए इसका लेंगे एलसीएम, क्योंकि ये दो वैल्यू हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते तो 4/9 36 आ जाएगा। अब 36 हमारे पास आ गया एलसीएम। अब एलसीएम जब फाइंड आउट करते हैं तो अगर हम इस वैल्यू का एलसीएम लेंगे तो जो वैल्यू नीचे खड़ी है डिनोमिनेटर में उसे हम एलसीएम से डिवाइड करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू वैसी की वैसी ही रहेगी, और 4/9 36 तो 9 आ गया, तो 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, बीच में साइन आएगा प्लस का, 5 वैसे ही डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो 9/4 36 तो ये आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ब्रैकेट के बाद 2 को वैसे ही डिवाइड कर दें। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं बटे में, वैसे ही आएगा 36 3/9 27, बीच में साइन प्लस का, तो 5/4 20। अब इसे ऐड करते हैं तो आएगा 27 प्लस 20 इज इक्वल टू आएगा 47/36, डिवाइड कर दिया हमने इसे 2 के साथ। अब मज़ीद इसे सिंपलीफाई करते हैं तो ये आएगा, अगर डिवीजन का साइन है इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 की जगह आ जाएगा 1/2, बाकी ये वैल्यू सेम 47/36 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब हम इसे मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं तो 47 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, वो वैसा का वैसे 47 ही आ जाएगा, और 36 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ ये आ जाएगा आपके पास 72। तो ये था हमारे पास वो नंबर जो 3/4 और 5/9 के दरमियान पाया जाता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ये इंतहाई अहम है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो इसके मोस्टली चांसेस होते हैं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में हर सूरत में आए। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन प्रेस करने से चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी सो उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो जाएगा। और इसी तरह आप 9th क्लास 10th क्लास 1st ईयर 2nd ईयर की मैथ समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। जज़ाकअल्लाह खैर।